तेलंगाना में कांग्रेस की जीत और केसीआर की हार ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस सब के बीच आप एक खबर मिस कर गए, वो था ओवैसी का उदय। ओवैसी की पार्टी AIMIM का तेलंगाना में सक्सेस रेट 77% था, जो कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा था। 3 दिसंबर को बाकी राज्यों की तरह जब तेलंगाना में नतीजों का ऐलान हुआ तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं AIMIM भी बहुत खुश थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उलट फेर कर तेलंगाना को BRS से छीन लिया। सीएम KCR की पार्टी ने सिर्फ 39 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत पाया, जबकि तेलंगाना में BJP 8 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का सक्सेस रेट राज्य में सबसे ज्यादा रहा। पार्टी की ओर से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और वो 7 पर जीत हासिल करने में सफल रही। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान गुट्टा, नामपल्ली, याकुतपुरा, कारवां, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स में प्रत्याशी उतारे थे। इन 9 सीटों में से 7 हैदराबाद से आती हैं और वैसी भी हैदराबाद से ही सांसद हैं। पार्टी को सिर्फ राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स सीट पर शिकस्त मिली। आपको बता दें कि तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी किंगमेकर मानी जाती है। चुनाव नतीजों से पहले भी कहा जा रहा था कि अगर KCR की BRS बहुमत से थोड़ा चूकती है तो ऐसे में ओवैसी की पार्टी उन्हें समर्थन दे सकती है। हालांकि इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस ने KCR को हराकर अपने दम पर बहुमत पा लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।